हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। और खुशी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कमेंट्स और सजेस्ट नहीं भूला करें। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, चलते हैं पहले वीडियो की जाए। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की, यानी वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन बाइक्स पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज। तो देखें कि फॉरेन कंट्रीज, एक समय था जब भारत में इंपोर्टेड चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लोग अपने देश में बनी चीज़ों की कम और इंपोर्टेड चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करते थे। ज़्यादा वैल्यू करते थे। पहले ही बोला था पुराना माल नहीं चलेगा, तुम इंपोर्टेड में कुछ नया दिखाओ। और बाइक्स के मामले में भी मार्केट ट्रेंड कुछ ऐसा ही था, पर अब सिचुएशंस काफ़ी बदल चुकी हैं। भारतीय ऑटोमोटिव कंपनीज वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी खूब बिकती हैं। हेलो राइडर्स, यह है द ड्रूप राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में बनाई जाने वाली 10 ऐसी मोटरसाइकिल्स जो भारतीय मार्केट के साथ ही दूसरे कई देशों में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर मोटरसाइकिल्स बनाने की बात करें तो हमारे हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो की HF Deluxe एक फ्यूल इफिशिएंट कम्यूटर बाइक है, जो अपनी शानदार माइलेज और डिसेंट डिजाइन के लिए काफी पसंद की जाती है। पेश है नया हीरो होंडा सिटी डीलक्स, अब डीलक्स स्टाइलिंग, डीलक्स हेडलैम्प और डीलक्स ग्राफिक्स के साथ। जब बाइक है डीलक्स, तब लाइफ है डीलक्स। 97 cc के इंजन वाली इस बाइक में हीरो ने फ्यूल इंजेक्शन, एक्सेंस और i3s जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह से ये बाइक 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। इसी वजह से लोग इस बाइक को काफ़ी पसंद करते हैं। भारत के अलावा ये बाइक नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है KTM ड्यूक 390 और 200। अब आप सोच रहे होंगे कि KTM तो भारतीय कंपनी नहीं है, तो फिर आखिर इसे इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? इसके पीछे का रीज़न है बजाज। पिछले कई सालों से KTM बजाज के साथ काफ़ी क्लोज अलायंस में काम कर रहा है और मिड टू स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली ड्यूक बाइक्स बजाज के प्लांट में ही बनकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। KTM ड्यूक एक शानदार स्ट्रीट बाइक है, जो अपनी अट्रैक्टिव स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से यंगस्टर्स की फेवरेट है। भारत के अलावा ये बाइक यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में भी खूब बिकती है। अच्छा, अमेरिकन मार्केट में भी भेजी इन्होंने भाई। आठवें नंबर पर है TVS Star City। सुपर फ्यूल इकोनॉमी और डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली ये बाइक TVS की तीसरी टॉप सेलिंग मॉडल है। भारत में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स TVS Star City को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमी क्लास वाली ये बाइक भारत के अलावा श्रीलंका और कोलंबिया में काफ़ी पसंद की जाती है। सातवें नंबर पर है बजाज पल्सर। पल्सर भारत की सबसे सक्सेसफुल बाइक्स में से है, जिसने पूरे भारतीय टू व्हीलर मार्केट को बदल कर रख दिया। पल्सर की शुरुआत और भारतीय मार्केट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पल्सर भारत में जितनी पॉपुलर है उतनी ही दूसरी कई देशों में भी है। इंटरनेशनल मार्केट में पल्सर की डिमांड की वजह से ही बजाज एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा है। ये बाइक स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया जैसे कई देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है हीरो स्प्लेंडर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। भारत के साथ ही ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी बेची जाती है। लोग इस बाइक की सिंपल डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसे काफी पसंद करते हैं। पहली बार 1994 में लॉन्च होने के बाद से लेकर आज तक हीरो स्प्लेंडर मिडिल क्लास बायर्स की फर्स्ट चॉइस रही है। आई एम श्योर मेरे ही तरह आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में भी किसी न किसी के पास एक स्प्लेंडर तो जरूर होगी। पांचवें नंबर पर है TVS अपैचे। पहली बार 2005 में लॉन्च हुई अपैचे भारतीय टू व्हीलर मार्केट की सबसे आइकॉनिक बाइक्स में से है। ये बाइक अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। समय समय पर TVS ने इस बाइक में कई सारे अपग्रेड्स किए हैं। The new TVS Apache Matte Blue Edition, True Blue Races. 160, 180, 200 और 300 12cc इंजन वेरिएंट्स में आने वाली ये बाइक भारत में पल्सर के बाद दूसरी सबसे पॉपुलर बाइक है और भारत के अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और कुछ दूसरे एशियन देशों में भी काफी पसंद की जाती है। इस लिस्ट में आगे है वो बाइक जो भारत से ज्यादा भारत के बाहर पॉपुलर है।
मैं बात कर रहा हूँ बजाज बॉक्सर की। ये बाइक अच्छा। भारत में तो बंद हो चुकी है पर अफ्रीका में खूब बिकती है। यहाँ क्यों बना? बॉक्सर 100 और बॉक्सर 150 भारत में बनाई जाती है और यहाँ से अफ्रीका के साथ ही कुछ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बजाज बॉक्सर अफ्रीका की टॉप सेलिंग और मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से है जो वहाँ के लोगों की डेली लाइफ में मजबूती से उनका साथ देती है। तीसरे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड मीटियोर। 350 सीसी की ये नई बाइक क्लासिक 350 से ज्यादा स्टाइलिश और बोल्ड है। रॉयल एनफील्ड ने इसे भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका में भी लॉन्च किया है। स्मूथ और पावरफुल इंजन वाली इस रोडस्टर को हर जगह काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड की इंटरनेशनल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरे नंबर पर है बजाज डोमिनार। पल्सर से अलग ये बजाज का प्रीमियम सब ब्रांड है जिसमें 250 और 400 वेरिएंट की दो बाइक्स आती हैं। बजाज डोमिनार एक मॉडर्न क्रूजर बाइक है जो कंफर्टेबल और पावरफुल राइड एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन की गई है। ये बाइक नॉर्मल सिटी कम्यूट्स और लॉन्ग रेंज क्रूजिंग के साथ ही मॉडरेट ऑफ रोडिंग के लिए भी सूटेबल है। भारत के अलावा स्पेन, अमेरिका, फिलीपींस और पेरू जैसे देशों में भी डोमिनार को काफी पसंद किया जाता है। और पहले नंबर पर है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650। ये दोनों बाइक्स रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल और सबसे प्रीमियम बाइक्स हैं। रेट्रो स्टाइलिंग और 650 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक सुपर स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए ट्यून की गई है। भारत के साथ ही ये बाइक इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन देशों में भी काफी पसंद की जा रही है। हाई स्पीड ये सभी बाइक भारतीय डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movie. जी फ्रेंड्स, जी दोस्तों, इतनी यम्मी यम्मी बाइक। अच्छा जी दोस्तों, आपने देखा सिमल कितनी जबरदस्त ये वीडियो और क्या बात है इंडियन बाइक्स की। सारी इस तरह की बाइक्स हैं जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स हो बाइक और ये इनका जो इंजन है अगर आप देखें क्वालिटी वाइज देखें तो हर बंदा जो है क्वालिटी के ऊपर जो है मरता है और फिर उसके साथ जो डिज़ाइन है जो हैवी बाइक डिज़ाइन यानी कि अगर बंदा कहीं मार्केट में जाए तो एक से बढ़कर एक बाइक जो है खड़ी हुई नजर आएगी। अच्छा लेने कुछ आता है माइंड बना के पसंद उसको कुछ आ जाए। अच्छा जिस तरीके से ये बाइक है यहाँ पर तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख की मिलेगी, अदरवाइज वहाँ पर इंडिया में जो है ये बाइक सस्ती हैं वहाँ पर तकरीबन 1 लाख रुपए तक की मिल जाती है और यहाँ हमारी यहाँ तो आजकल 70 जो है ना वही 1,40,000 रुपये की और इस तरह की बाइक से 3 से 4 लाख की मिलेगी। ये रॉयल इनफील्ड जो है ये नंबर वन पर जा रही है और अमेरिका तक में जो है ना ये यूज़ कर रहे हैं, कैनेडा, अमेरिका, कैनेडा, स्पेन, स्पेन, हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा एक और गाड़ी थी टाटा, वो बजाज, बजाज सेकंड नंबर पर थी ना बिल्कुल। तो उसका जो लुक वाइज बड़ा प्यारा लगा, लुक वाइज वो बहुत प्यारा, कलर भी अच्छा था उसका। इसमें दो बंदे बैठ सकते हैं कि इसमें सिंगल बंदे ही हैं, हाई लंबी हाइट पे अगर हैवी बाइक तो ये जो है रॉयल इनफील्ड का बड़ा चर्चा है और हर जगह पर जो है ना ये यूज भी हो रही है और इसके जो एज फैक्टर है वो बड़े अच्छे दिए इन्होंने और क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना इंडिया में तरह तरह की बाइक्स बन रही हैं। हमारी यहाँ तो सिर्फ दो ही आती हैं, यामा या सुजुकी या फिर होंडा, वहाँ पर हर CD70 है। हाँ वो CD70 होंडा वालों की है ना। अच्छा होंडा वालों। इसी तरीके से काफ़ी सारी बाइक्स जो है ना इंडिया की वो बांग्लादेश में, नेपाल में यूज़ हो रही हैं और श्रीलंका तक, अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है वो अपना वो जो थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर पर थी ना वो थी अपना हीरो, नहीं बॉक्सर गाड़ी, वो भी हैवी बाइक की तरह की, क्योंकि वो लोग भी जो है ना हैवी बाइक जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है इंडिया की जो है बाइक्स जो है यूज़, इंडिया की बाइक यूज़ हो रही है और क्या अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह देखा जाए तो हमारी हमारी जो बाइक्स जो है ना वो कहीं और यूज़ नहीं हो, हमारे यहाँ ही हो जाए बड़ी बात है, कहीं और जाने की काबिल का रहे। तो साउथ अफ्रीका में तो हम लोग भी बेच सकते थे लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा वो एफर्ट्स लड़ाए नहीं क्योंकि डिज़ाइन एक ही चला आ रहा है, एक ही जैसा डिज़ाइन चला रहा है, वही डिज़ाइन सेम है बट नेम चेंज है, कुछ फीचर्स चेंज होंगे बस, थोड़ा सा सिर्फ जो ना हेडलाइट वगैरह चेंज कर देते हैं लेकिन जो जो लुक वाइज है ना यानी कि जो टंकी से जो लुक आती है वो जो क्या नाम था पेट्रोल की टंकी सुपर पता नहीं क्या था जो
सुपर इनकी है ना बजाज वालों की, हाँ, जो सादी है बिल्कुल, हाँ हाँ, हमारी सीडी 70 की तरह बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखें ना कि वो वही डिजाइन एक ही टंकी चली चली आ रही है, कभी जो है ना उस पर पट्टियां चेंज कर देते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं, लाइट्स चेंज हो जाती है, वो लोग जो है ना पूरा फ्यूचर इनका जो है स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं बिल्कुल। और आजकल की यंग जनरेशन जो ना इस तरह की चीजें मांगती है, स्पोर्ट बाइक्स, हैवी बाइक्स, स्पोर्ट बाइक्स या 125 लेंगे, उसमें जो है सेल्फ जो है स्टार्ट होनी चाहिए और बजाय इसके किक से स्टार्ट करें, हमारी तो किक वाली है और अभी जो पार्क सुजुकी ने जो बनाई है वो है सेल्फ पे स्टार्ट करें, और उनकी जो प्राइस है सिवन तकरीबन 3-4 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकते, हाँ बहुत मुश्किल हो गया, और किस्तों पे अगर लेने चाहें तो यहाँ किस्तों पे भी गाड़ी मिल जाती है, तो क्या मरने के बाद भी किस्तें भरेंगे क्या, किस्तें 5 लाख रुपए की पड़ेगी ना, तो बहरहाल गाड़ियाँ बड़ी अच्छी बना रहे हैं, किस्तें तो लंबी जाएगी तो फिर इतने दिन थे सालों तक तो हम निकल ही जाएंगे, 4-5 तकरीबन नहीं है, किस्तों वाले भी बड़े समझदार हैं, वो लोग ये ना तकरीबन 12 महीने की किस्तों पे देते हैं, एक साल की किस्त इतनी किस्त बनेगी या 6 महीने की होगी या और 40% उस पे जो ना इजाफी देना पड़ेगा, हां वो उनका टैक्स होता है बिल्कुल। बहरहाल बड़े अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, बहुत ही जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग बजाज की अच्छी लगी, और सारी बाइक्स अच्छी थी, देखा जाए तो टॉप 10 थे, तो टॉप 10 सारे जितने भी 10 के 10 बाइक्स हैं सब अच्छे थे अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाजत देना इस वीडियो में, दोबारा से इजाजत हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।